तो ये मैंने क्रॉप करके रखा हुआ है फ्रंट ठीक है और साइड, और ये फेस हम बनाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रंट को राइट क्लिक शिफ्ट होल्ड करके मैं करता हूँ कॉपी एज पाथ, चलते हैं माया में, तो ये फ्रंट व्यू में हूँ मैं, और यहाँ से इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फिर राइट साइड यहाँ पे भी हमको चाहिए, तो यहाँ से फिर वो साइड वाला जो व्यू है कॉपी एज पाथ और इधर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये मेरे इसका फेस ना इधर की तरफ चाहिए, तो मैं टॉप व्यू में जा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। रोटेट, हाँ, यहाँ से आप देख पाओगे ना कितना डिग्री रोटेट होगा, तो इसको 90 नहीं होगा ना, 180 डिग्री होगा, 270। हाँ गुड। अभी ये हमारा कैसा हो गया, एक इधर हो गया एक इधर, तो ये फ्रंट वाला व्यू है। तो साइड वाले को मैं यहाँ से देखता हूँ इधर है, तो इसको थोड़ा सा पुश करके पीछे लेके जाएंगे, ऐसा जैसे हमने कार को किया था, या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को सेलेक्ट करिए, पहले ये ग्रिड पे एकदम ऊपर रख देंगे और इसको एकदम ऐसा पास में भी कर सकते हैं, ऐसा बॉक्स जैसे बना सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि ये बनेगा यहाँ पे, आप इसको पीछे भी करेंगे तो जब फ्रंट से आप साइड से देखेंगे तो वो इमेज वहीं पे दिखेगी। फ्रंट व्यू में अब सबसे पहले फाइल सेव कर लें, ये हो गया हमारा, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लेयर पे डाल लेयर दूँ, में, हाँ, इस पर लॉक कर देंगे ताकि बार बार ये सेलेक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना करे हमको। तो यहाँ से आई बनाने का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आई बनाने के लिए हमको पहले आई बॉल चाहिए इसका, ठीक है। और उससे पहले आई बॉल मैं बनाऊंगा, उसके पहले एक स्टेप और है, आप किधर से ही बनाए वो मैटर नहीं करता ज्यादा, आपके दिमाग में अगर सेप है कि कैसा है उस ऑब्जेक्ट का, मतलब जो लुक एंड फील है कैसा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक आई सबसे ज्यादा चैलेंजिंग, हाँ चैलेंजिंग कुछ नहीं है, देखिए इसमें बनाना अपने को आधा है, मतलब एक बनाएंगे ये दूसरा बन गया, इसका आधा बनाएंगे इधर, ये बन गया कॉपी होगा ना इधर का बनाएंगे, मतलब आधा फेस बनाना है। और अब मैं प्लेन लिया हूँ यहाँ से, आप यहाँ से भी ले सकते हैं प्लेन, और इसको ऐसा ड्रैग करके इस पे छोड़ देते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इसका पोजीशन कहीं गलत है, क्योंकि ये जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्रंट में तो यहाँ ऊपर दिखना चाहिए, और ये दिख रहा है क्या पीछे, तो मतलब इसका पोजीशन यहाँ कहीं होना चाहिए, तो ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फोर प्रेस करें, अब इसमें एक एज लगाता हूं मैं, एक सेंटर में एज और एक यहाँ पे, और एक और लगा, अभी ये सेंटर वाला, ये तीन एज लगा दिया हमने, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है ना, आई ऊपर से अगर टॉप से देखेंगे तो ऐसा आर्क में है ना, आर्क में, हाँ, तो टॉप में जाएंगे ना तो ये ऐसा कुछ है। पहले राइट साइड सेट कर लें, तो उसके बाद उसको मूव करेंगे, तो ये यहाँ पे कहीं पे आई है, तो मतलब मैं फ्रंट से भी, आप दोनों व्यू जब देखेंगे तो मैं फ्रंट से भी सेट कर दिया हूँ, यहाँ फ्रंट से भी सेट है और ये साइड से भी सेट कर दिया हमने, है ना। अब दोनों में प्रॉब्लम क्या है कि ये एकदम स्ट्रेट है तो ऐसा दिख रहा, जबकि होना ऐसा राउंड चाहिए, है ना। तो वो हमको मिलेगा कहाँ से, टॉप से। तो टॉप से मैं जाता हूँ वर्टेक्स, अब इस वर्टेक्स को मैं अंदर की तरफ लेके आता हूँ और यहाँ देखते रहता हूँ कि कितना एरिया, यहाँ पे रख देता हूँ और ये थोड़ा सा और अंदर जाएगा, और ये सबसे टॉप वाला एरिया है, तो इन दो को मैं अंदर कर देता हूँ थोड़ा सा, तो ऐसा राउंड हो गया ना आई जैसा, बस जैसा आई होता उसी तरीके से ओवल हमने सेट कर दिया। अब हमको क्या करना, फिर से फ्रंट में जाएंगे, अब इस पे एक एज लगाते हैं यहाँ पे। अब इस एज को क्या करना है, इस पे बिठाना है हमको, बिठाना, हाँ, ये जो लाइन है ना इस लाइन पे ऐसा सेट कर देंगे, बस इसको इस पे रख देंगे, ये जो हम बना रहे हैं। तो आप दूसरे टेक्निक से भी बना सकते हो, कॉन्सेप्ट यही है कि इस पे पूरा
ये जो अपना पॉइंट है ना इस पे पूरा सेट हो जाए। ओके ऐसा। दूसरी क्या टेक्निक है? दूसरी क्रिएट पॉलीगॉन टूल से अपन अच्छा बता अच्छा, देते है ना क्रिएट वो, वही है कि थोड़ा सा मोड़ने में दिक्कत होगा उसको, तो उससे अच्छा है इस टेक्निक से बनाएंगे तभी स्टार्टिंग में ये सही रहता है। तो जो थोड़ा फ्लो वगैरह है ना यहाँ इससे प्रॉपर मिल जाएगा आपको। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ से तो हमने सही कर दिया बट यहाँ पे दिक्कत है। तो ये अब फिर यहाँ पे जब हम एक्सेस वाइज लेके जाएंगे मतलब यहाँ से हमको ये ब्लू वाला जो जी एक्सेस है इस पे काम करना है और इस पे एक्स एक्सेस पे काम करना मतलब रेड पे, इसको आगे पीछे ऐसे करके लेके जाएंगे और इसको मैं आगे लेके आता हूँ, इसको भी आगे लेके आता हूँ, तो देखो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। अभी ये दो पॉइंट बाहर की तरफ भागा हुआ है तो इसको मैं थोड़ा सा इधर, अगर गौर से आप देखेंगे ना तो ये लाइन ऐसा आया हुआ है ना, तो ये लाइन थोड़ा सा संभाल लिया। अगर हम संभाल कैसे रख देंगे कि हाँ चलो ये इधर से आया इधर से आया तो ये प्रॉपर लाइन हो गया हमारा। अब इसी तरीके से टॉप का जो लाइन है ये इसको थोड़ा सा और प्रस्पेक्टिव में जाके हमको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि वहां से प्रॉपर दिख नहीं रहा। तो ये बॉटम का तो हमने सही कर दिया, ये पॉइंट बस थोड़ा सा इधर उधर है। तो अभी फोर प्रेस करेंगे आप तो देखिए ये लाइन इसके ये लाइन ऐसा आ जाना चाहिए। तो इसको मैं जैसे खींचता हूं तो देखिए ऐसा ये लाइन प्रॉपर इस तरीके से आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको चाहिए क्या, इसका एज मतलब इस एज को मैं जब एक्सट्रूड करूंगा तो मेरे को और सरफेस मिलेगा है ना। तो मैं ये एज पकड़ता हूँ और एक्सट्रूड, अब इसको मैं आर प्रेस करके ना थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और इतना एरिया छोड़ देता हूँ और इसको ज्यादा बड़ा कर देता हूँ और थोड़ा सा ऐसा मूव कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और अरेंज करना है हमको यहाँ से इस पे बिछा देंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डेप्थ जैसा है ना उभरा हुआ रहेगा इसके लिए हम एज अभी लगाएंगे। बट अभी बस कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहे हैं छोटा छोटा कि हमारा जो लुक एंड फील है कैसा है उस तरीके का, तो उसके लिए ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जाना है, बस लाइन को सही करना है क्योंकि ये मकड़े के जाल जैसा ही पूरा इधर से इधर फैलते जाएगा अब। तो इसके लिए हमको बस थोड़ा सा उसका लूप सही करना है क्योंकि यही ये हमारा एक तरीके से बेस हो गया, इसी पे सारा काम होना है। अब ये पॉइंट में पकड़ के ये सारा थोड़ा सा बाहर कर लेता हूँ, इसको छोड़ दीजिए, इसको बाहर कर देते हैं थोड़ा, और ये हमारा पोजीशन यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ये थोड़ा सा और पीछे आ जाएगा। यहाँ से भी लाइन सही करना है क्योंकि यहाँ तो हमने कर दिया है, इससे कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके पोजीशन पे देखेंगे ना क्योंकि ये आगे पीछे हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है, आप इसको आगे पीछे करके मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, ये इसका पोजीशन यहाँ होना चाहिए, इसका इधर, इसमें भी देखेंगे तो ये लाइन देखिए, तो इसी लाइन को हमको बैलेंस करना बस थोड़ा सा इधर। तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अब यहाँ पे आई लीड का एक एरिया होता ना यहाँ इसका, इस चाइना वाला फेस है तो इसमें आई लीड थोड़ा ज्यादा दिख नहीं रहा है, पर हमको विजुअल करके थोड़ा सा यहाँ डालना पड़ेगा। तो एक एज में लगाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये आई लीड के पास अंदर डेप्थ रहेगा, सिंपल सा लॉजिक है, तो मतलब यहाँ डेप्थ देना है तो यहाँ पे हमको एज चाहिए, एज चाहिए, हाँ एक एज यहाँ चाहिए, एक एज यहाँ, सॉरी एक एज इधर रखता हूँ मैं, एक यहाँ रखता हूँ, इसी को अंदर कर दूंगा। तो ये जो पॉइंट, ये जो दो एज है, इन एज को मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ पुश कर दिया। तो पीछे जब आप इसको लेके जाएंगे तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक वहां नीचे चला गया वो, तो ये डेप्थ बन जाएगा। और ये जो हमारा एरिया है ये क्या बोलते हैं उसको, जो आई का एकदम मेन ओपन है, हाँ यहाँ पे हमारा डिटेल नहीं दिख रहा क्योंकि ये एकदम कनेक्ट है इससे, तो हमको क्या करना है, इसको बस एक्सट्रूड करके थोड़ा सा पीछे कर देना है, थोड़ा सा आर प्रेस करके छोटा कर दीजिए ऐसा। तो इससे क्या हो गया, ये हमारा आई लीड का एरिया हो गया और ये हमारा आई का जो वाइप करता है अपने आई बॉल को वो एरिया हो गया, उसके पीछे वो हाँ
तो एकदम अभी हमारा सही चल रहा है, बस थोड़ा सा और एडिट करते चलना है। यहाँ राइट साइड में ये जगह थोड़ा चाहिए हमको। अभी क्या ना, अभी थ्री प्रेस करेंगे ना तो एकदम धंस जैसा जाएगा, वो एकदम खींच जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जगह नहीं बचा ज्यादा ना, थोड़ा सा अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। और इसको ना, जैसे ही आप इसको ऊपर लेके जाएंगे और इसको नीचे करेंगे, उतना ही ज्यादा डेप्थ वहां पे क्रिएट होने वाला है। देखिए दिख रहा ना, सही। पर ये जो एरिया है ऐसा तो नहीं रहता हमारा, यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे हम, ये वाला एज जो अंदर की तरफ गया ये पॉइंट, इसको हम बाहर निकाल देंगे, इसके पैरलर कर देंगे। तो जैसे ही आप पैरलर करोगे, वो देखिए वो इन्फॉर्मेशन चला गया। अब ये ऊपर का तो सही हो गया, अब यहाँ की बात करते हैं। यहाँ पे भी उठा हुआ एरिया है ना, तो उठा हुआ एरिया, तो उसको हम पहले एक बार देख लेते हैं कि हमारा कहाँ से कहाँ तक उठा हुआ है। ये एरिया लास्ट है मेरा, तो हमको हाँ, तो ये जो एज है ना, इसके लिए मैं यहाँ जगह बनाता हूँ, ताकि मैं इनको यहाँ तक लेके आऊं। और ये जो दो एज है इनको उठाने वाला हूँ मैं, ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये इसको होल्ड करेगा यहाँ पे। तो इसको सेट कर देते हैं कैसा, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा लाइन के बारे में समझिएगा यहाँ ना, ये जो लाइन है ना, ये हमेशा ऐसा आना चाहिए, इधर का लाइन है ना, आपके मेरे अपोजिट, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जिस जिधर से मैं आपको बता रहा हूँ, वो शायद आप देख रहे होंगे उसके अपोजिट दिख रहा होगा। तो ये जो लाइन रहेगा ना, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ उभार है, उभार है। हाँ, तो ये ऐसा आर्क आएगा, इधर अपोजिट साइड आएगा, क्योंकि अब ये एंगल चेंज हो गया, इसको हम इधर की तरफ कर देंगे ऐसा। ठीक है, इसको होल्ड दे देंगे यहाँ, ये यहाँ पे होल्ड होगा। अब यहाँ से उभार खत्म हो गया, फिर स्ट्रेट हो गया, मतलब यहाँ उठा हुआ है, फिर बराबर एरिया, तो बराबर एरिया तो बराबर लाइन। फिर इसको थोड़ा सा हम मेंटेन कर देते हैं सेम वैसे ही, कि यहाँ पे हल्का सा उभार है, फिर उसके बाद ये दबा हुआ है, इसको और पास पास में कर देते हैं, जगह बहुत कम है तो इस जगह को मेंटेन कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ एरिया। अब इधर आते हैं, यहाँ पे बहुत फंसा हुआ है, तो ये हमारा एकदम अभी सही हो गया, बस मेरे को क्या करना है, ये वाला एज पकड़ के बाहर की तरफ करना है। तो इसको मैं पकड़ता हूँ, ऐसे बाहर निकाल देता हूँ, और थोड़ा सा इसी के पैरलर इसको भी निकाल देंगे। अभी आप देख रहे होगे कि जैसा नेचुरल रहता है हमारा, उस तरीके का हो गया है। अब ये एरिया फोर प्रेस करें, इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर, इसको थोड़ा सा इधर, मतलब जैसा लॉजिकली होता है ना, कि बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं पे बहुत ज्यादा डेंस हो गया हो, कहीं पे डिस्टेंस ही नहीं हो, तो वो चीज नहीं। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा अंदर की तरफ का लाइन है, पर यहाँ पे जाके ये बाहर आ गया ना, तो हमको क्या करना है, ये पॉइंट भी थोड़ा सा अंदर अंदर। हाँ, तो ये ऐसे जाएगा, पर यहाँ जाते जाते उसको आप कैरेक्टर के ऊपर है, अगर आपको लगता है कि वहां जाते जाते खत्म करना है तो उसको बराबर कर देंगे, और अगर लगता है कि नहीं थोड़ा और रखना है तो आप इसको और दबा दें। ठीक है, इसको जितना अंदर लेके जाएंगे और ये ऊपर वाली लाइन को जितना इसके करीब लेके आएंगे, उतना ही डेप्थ क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये जो है एरिया, यहाँ पे एक होल्ड दे देंगे, ताकि ये शार्पनेस वाला फील यहाँ पे बना रहे, बहुत ज्यादा शार्प हो गया, लोहे का आंख बन गया लोहा वाला। ये ठीक है, ये वाला एज सही है, यहाँ स्मूथ थोड़ा रहने देते हैं ना। तो ये हमारा बन गया। यहाँ पे अभी लगता है मेरे को बहुत ज्यादा उठा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउन करते हैं, मतलब अब इसको कम करना है, तो इसको अंदर लेके आएंगे, इसको इसके बराबर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा, ये उभार है हमारा, तो इसको जितना हम पीछे लेके आएंगे उतना ही कम होते जाएगा वो। इसको रहने दे बराबर, थोड़ा सा इसको कम करेंगे, थ्री। अभी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गया, थोड़ा अगर और आपको सॉफ्ट चाहिए तो और भी कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है।
अब इतना बनाने के बाद थोड़ा सा और मैं एडिट करने वाला हूँ पूरा होल ऑब्जेक्ट को, मतलब ओवरऑल को मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट मेरे को लग रहा है थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं हम, तो इसको मैं थ्री ई प्रेस कर दिया हूँ और सेंटर पाइवट लेके जाता हूँ और थोड़ा सा अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हम करें, बट अगर आपको लगता है तो कर लो, और नहीं लगता तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है मेरे को। ठीक है, अब फिर से क्रिएट पॉलीगॉन टूल पे चलते हैं। अब यहां से अपने को शेप बनाना है इसका। अच्छा ठीक है, आउटलाइन बनाएंगे तो बस ऐसे क्लिक क्लिक करते जाना है, यहां से ऐसा ड्रॉ करते जाओ। ये अभी कंस्ट्रक्शन लाइन है तो ज्यादा इधर उधर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, फिर जब हम फाइनल जब अटैच करेंगे इधर का मैश उस पे, तो जब हमको लगेगा कि नहीं इसको इधर करना है या फिर रिपोजिशनिंग करना है कुछ लाइनों का, तो कर पाएंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। इस लाइन से फायदा क्या होने वाला है हमको कि हमारा जो फेस है जो भी करेक्टर का, वो एक उसको क्या बोल सकते हैं आप कि मतलब वो उसी कैंडिडेट का है, या फिर जो आपने रिफरेंस रिफरेंस लिया वही रिफरेंस का फेस आप बना रहे हो, 75% आपको हेल्प मिलेगा कि वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज हो जाएगा, मतलब आप किसी को दिखाएंगे तो बता देगा वो कि हाँ ये यही पर्सन है जिसका भी 3D आपने वो नेक में से क्यों नहीं ली वैसे नीचे से, मतलब नीचे नेक के पार्ट में आपने वैसे हॉरिजॉन्टल ले लिया नीचे। अच्छा, तक यहाँ से ना इसका नेक का हम अलग से निकालेंगे क्योंकि नेक अच्छा। ये उभार होता है ना, और ये तो है अभी प्लेट है ऐसा ना, राइट इस तरीके का है, तो यहाँ के लिए हमको इस तरीके का कुछ मैश बनाना पड़ेगा जिसको बाहर निकालेंगे तब वॉल्यूम आएगा। ठीक, ये अभी डिलीट कर दूंगा मैं, इसका कोई जरूरत नहीं है मेरे को। तो फेस मोड में जाएंगे, इसको एक्सट्रूड करते हैं, फ्रंट व्यू में आते हैं, W, ये नहीं चाहिए हमको, ये जो नेक बोल रहे थे ना आप, अब उसका काम ही नहीं है मेरे को। ठीक है, तो ये हटा दिया मैंने, अब क्या करना है इसको और इसको कंबाइंड कर देंगे। अब 5 प्रेस करो, अब ये जो आमने सामने दिख रहा ना एज, इसको इसके साथ ब्रिज, और इसमें डिविजन्स कुछ डाल देते हैं, 2 रखता हूं मैं, ये सही है। अभी इसको इसके साथ ब्रिज, ये 2, और इन दोनों को हम मर्ज भी कर देंगे। फिर अभी थोड़ा सा इसको देखते हैं कि ये एरिया एकदम प्रॉपर है क्या, क्योंकि 3 प्रेस करने से आपको पता चलेगा। ठीक है, थोड़ा सा मेरे को लगता है ना कि ये वाला एरिया ऐसा ऐसा उभार आना चाहिए। तो यहाँ से टॉप से आपको दिखेगा कि देखिए एकदम स्ट्रेट हो गया हमारा, जबकि होना कैसा चाहिए थोड़ा उभार, हाँ यहाँ पे उठा हुआ होना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा रहेगा, ये नोज का एरिया है, तो ये अभी सही रहेगा, अभी ठीक है। तो ये हमारा हो गया आई, दूसरा 01। अब इसके बाद आते हैं नोज पे, तो नोज बनाने के लिए क्या करना है हमको, इसको ना ब्रिज करने वाला हूं मैं, ब्रिज मतलब ये जो एरिया है यहां से यहां ब्रिज कर दूंगा। तो सबसे बॉटम का जो एज है ये बॉटम का है, और यहाँ पे कहीं पे ये इतना ही एरिया है ना, तो यहां से यहां तक मैं अनुमान लगाया कि ये एकदम डिटेल का लास्ट है, इसका ये लास्ट पॉइंट है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, ब्रिज कर देंगे। अब ब्रिज के अंदर फिर से सेगमेंट डालते हैं, 2 सेगमेंट डालेंगे, और इसको आप डायरेक्ट फेस पकड़ लो, फ्रंट व्यू में आओगे, फ्रंट व्यू में आके और ये ब्रिज में और फिल होल में मैं कंफ्यूजन देखो, ब्रिज क्या है, 2 एज को मिलाता है, फिल क्या है पूरे एरिया को, जैसे यहाँ पे हम ब्रिज करेंगे तो ये एज को ये एज मिलाएगा, अच्छा पूरा एरिया नहीं फिल होगा ना,
जबकि फिल होल क्या करता है, अगर मैं इसको पकड़ के एज को फिल होल मारूंगा तो ओवरऑल पूरा फिल हो जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया को जोड़ने के लिए ब्रिज का यूज करेंगे और ओवरऑल एरिया फिल करने के लिए पूरा फिल होल मारेंगे। पर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि वो एरिया जुड़ा हुआ हो, जैसे यहाँ जुड़ा हुआ है ना, ऐसे ही एरिया पे काम करेगा वो। तो ये हमने ब्रिज किया, ये फेस मैं पकड़ लिया, अब फ्रंट में आता हूँ मैं, तो ये वाला एरिया है वो जो मैंने पकड़ा हुआ है ना, उसको यहाँ पे सेट करना है, ऐसा कुछ, ये यहाँ का एरिया है, राइट साइड, फ्रंट से हमने सही कर दिया, और साइड से भी सही करना है। तो इसको पकड़ के एकदम ये कॉर्नर एकदम रहेगा, ये कॉर्नर यहाँ पे, ठीक है, इधर आ जाओ, ये बस। अब आते हैं थोड़ा सा इधर की तरफ, तो ये एक एरिया हमने डिसाइड कर लिया कि मेरा नोज का जो एरिया है इतना एरिया है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको फिल कर दूंगा, फिल, हाँ। अब ये पैक हो गया, अब इसमें क्या हमको एज डालना है, एज डालना, हाँ। तो एज डालने के लिए प्रस्पेक्टिव में ही आ जाते हैं, मेरे पास एक यहाँ से लाइन है, एक ये लाइन है, ऐसे देखेंगे तो 1 2 3 4 है, पर ये इधर हमारे पास जगह ज्यादा नहीं है, अगर चार हम लेके आएंगे ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंस हो जाएगा ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहां से डिवाइड कर दे रहा हूं, मैं अभी इधर नहीं देख रहा हूँ, इधर का एज मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ, मैं यहां से देख रहा हूँ कि ये जो एरिया है, सॉरी, इसको ना 2 एज डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जगह है तो 2 एज हम डाल सकते हैं। इधर लेके आया मैं, यहाँ पे एंड हो गया, और एक यहीं से फिर वापस लेके गया, अभी मैं ये सेंटर पे ना ऐसा क्लिक कर दे रहा हूँ ताकि ये मेरे को पता है यहाँ से लेके जाना है मेरे को, तो उस तरीके से कुछ एज सेट कर देते हैं पहले से ही, इंटर प्रेस करते हैं, अब ये एज यहाँ आ गया, ओवरऑल मेरा सब कवर हो गया, बस ये 2 एज जो है मेरे को प्रॉब्लम देगा आगे चल के, तो वो देखते हैं उसको रखना है या निकालना है, वो बात की बात है। अभी टॉप व्यू से जाएंगे, अभी हमारा नोज एकदम ऐसा तलवार की धार जैसे, तो इसको ना थोड़ा सा ऐसा वॉल्यूम चाहिए ना, स्मूथ, इसको बस बाहर निकल, देखिए अभी ऐसा रहता है जैसा, उसी तरीके से हमने इसको ऐसा निकाल दिया हुआ, इस एज को भी पकड़ के इसके पैरलर कर देंगे, इस एज को भी पकड़ के इसके पैरलर कर देंगे, तो अभी आप देखेंगे ये उभार आ गया हमारा, है ना, राइट। अब ये एज को सेटल करना है, और ये मेरा सबसे लास्ट वाला एज है, मतलब यहां से मेरा चीक स्टार्ट होने वाला है, मतलब काल का एरिया है ना, तो जो भी डिटेल रहेगा सब इसके अंदर रहेगा नोज का, राइट। और ये यहां से यहां तक आप ऐसा कह सकते हो कि यहां से चिक का एरिया है, तो इसको थोड़ा सा मैं और मैनेज कर दूं, उसके बाद निकालते हैं उसको, थोड़ा सा और अंदर इसको, और इसको भी अंदर कर देते हैं, ये पॉइंट एकदम अंदर की तरफ चला गया है, ये इसको थोड़ा सा ऐसा हम देखेंगे पॉली तो ऐसा सामने से ऐसा रहेगा, अगर मैं पर्सपेक्टिव आगे से देखूंगा तो ऐसा हो जाएगा ना, सेम यहाँ पे वही सीन चल रहा है कि हम साइड से देखेंगे तो यहाँ ज्यादा जगह दिखेगा, पर फ्रंट से देखेंगे तो वो ऐसा दिखना चाहिए, उतना ही डेप्थ आपको वहां पे मिलने वाला है जितना ये पर्सपेक्टिव होगा, ठीक। तो इधर आ जाते हैं, अब ये मेरा जैसा कि मैंने बोला ना चिक का एरिया है, तो इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ ऐसा, अब यहां से मेरा, तो ये मेरा डेप्थ वाला एरिया हो गया कि यहाँ पे मेरे को एकदम शार्प लाइन चाहिए ये वाला, तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगा अब यहाँ से कि हाँ इसके बाहर हमको इसका डिटेल नहीं लेके जाना है, ठीक। अब इस लाइन को सेटल करते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जा सकते हैं हम, एक लाइन यहाँ से ला के यहाँ मिला सकते हैं, पर ट्रायंगल यहाँ पे इग्नोर करना है क्योंकि जब ये रिग होगा तो ये सब एक्सप्रेशन जब बनाएंगे ना, ट्रायंगल क्यों नहीं रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये कॉर्ड है ना, इस तराजू होता है तो तराजू को 2 पलड़ा होता है ना, जिसमें 1 किलो का बांट होता है, 1 किलो का अपन कुछ सब्जी वगैरह रख देते, सेम ऐसे ही स्कीनिंग में पेंट वेट करके एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं यहाँ पे
5.8 दे दिया, यहाँ पे 6 पॉइंट दे दिया, तो टोटल इन दोनों का कितना हो गया, 11 पॉइंट हो गया। तो फिर मैं इसको भी 11 कर दूंगा, अगर कितना भी हो, इधर 3 हो सकता है, इधर बाकी बचा हुआ हो सकता है, तो ये 11 11 क्या होगा, बैलेंस होगा। या फिर हम इधर 11 कर दें, इधर 11 करेंगे तो भी बैलेंस हो जाएगा। ट्रायंगल में क्या होता है, इस पे आप कुछ भी वेट डालोगे, इस पे कुछ भी डालोगे, यहाँ कुछ डालोगे, पर बैलेंस नहीं होगा क्योंकि वो 3 है, तो एक तरफ कहीं ना कहीं वो। तो जब स्किनिंग करते हैं तो ये जो शेप ऑफ जब बनाएंगे हम ना, उसको ब्लेंड शेप बोलते हैं, वो आगे चल के आपको मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूंगा, तो वो दिक्कत करता है, यहाँ पे प्रॉपर शेप नहीं बनेगा, या फिर फट जाएगा, या फिर जब आप रिग करना चाहोगे तो प्रॉपर रिग नहीं होगा। इसलिए ऐसे जगह पे यहाँ पे, यहाँ पे आई के पास जहाँ पे फोल्ड होने वाला है मैस है, वहां पे ट्रायंगल इग्नोर किया जाता है। जहाँ पे डेड है, जैसा मान लीजिए यहाँ पे फॉरहेड है ना, यहाँ पे चलेगा, अगर ऐसा कुछ आप नहीं बना रहे इस तरीके का तो चलेगा। अच्छा। बाकी जगह पे हमको वो नहीं रखना है। तो आगे अभी मैं अगर इसको लेके आता हूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं इसको यहाँ से मूव कर दूं ऐसा करके, और इसको मैं यहाँ से अटैच कर दूं, तो ये मेरा एक एज सॉल्व हो गया। ये भी 4 एंगल हो गया, ये भी सब 4 एंगल हो गया। ठीक है, अब आते हैं इधर की तरफ। इसको हम लेके जा सकते हैं कहाँ, यहाँ पे। और इसको इधर ये मैं डायरेक्ट लेके आता हूँ और एक एज हटा देता हूँ, जैसे ये इसका पोजीशन मेरे को नहीं लगता कि इसको जरूरत है हमारे, और हमको इसकी दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, यहाँ रख देते हैं। तो हमारा एक एज निकल गया और ये एज बस हमको सेटल करना है। तो अब सेटल ऐसा होगा कि ये तो यहाँ आ गया, फिर ट्रायंगल जनरेट हो गया, और ये ट्रायंगल नहीं चाहिए हमको। तो जब आप इस तरीके का कोई करेक्टर बनाएंगे तो ये हमेशा ये चैलेंज जैसा रहता है, इस फेस वगैरह में बॉडी जब बनाएंगे आप, तो इस तरीके का ट्रायंगल तो आएगा ही, बस आपको उसको सॉल्व करना रहेगा। आप अपना माइंड सेट करके देखिए उसको किधर जाके ले जाके खत्म कर सकते हैं। तो ये एरिया जितना है ना, अभी ये सब मेरे को बहुत इरिटेट कर रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे नॉस्टल बनाना है ना, तो मैं इसको एक्सट्रूड करके देखिए सारा ट्रायंगल फ्रेंगल यहाँ सिमट गया ना। तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसको मैं एकदम प्रॉपर ऐसा रखता हूँ और इस एक्सट्रूड करके ऊपर ले जाएंगे, जैसा नेचुरल रहता है ना वैसे ही करना है हम। और यहाँ पे बहुत अब सार पेज आने वाला है, तो मैं इस एज को क्या करूंगा, बेवल कर दूंगा ताकि थोड़ा सा स्मूद आ जाए। बस इसका खेल खत्म। अब ये हमारा प्रॉपर हो गया। थोड़ा सा यहाँ पे अगर लगे आपको कि शार्प हो रहा है, तो इस एज को हम क्या कर सकते हैं, ऐसा थोड़ा थोड़ा दबा देंगे ताकि थोड़ा सा राउंड वाला फील आ जाए। हाँ, ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। एक और उठा हुआ ऐसा भाग है ना, यहाँ पे ऐसा कुछ उठा हुआ रहता है ना, अब उसको कैसे क्रिएट करना है वो देखते हैं। फ्रंट व्यू में आते हैं, वर्टेक्स, ये एरिया से निकालना है हमको। तो मैं यहां से लेके इसको, इसको, इसको और इसको, इसको पकड़ सकते हैं, चलिए इसको भी ले लेते हैं। अब इतना एरिया मैं फिर एक्सट्रूड मार देता हूँ। एक्सट्रूड करेंगे तो क्या होगा, एक और मैस, मतलब एक और लाइन वहां जनरेट होगा। जैसे एक्सट्रूड करेंगे आप और इसको बाहर निकालेंगे तो देखिए एक और लाइन ऐसा ही जनरेट हो गया ना। इसको हम आर प्रेस करके थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं और राइट साइड से थोड़ा सा इधर दबा देंगे। जब इधर मैं दबाऊंगा तो इस एज का गैप जो है वो कम होगा, और जितना कम होगा उतना ही हार्ड एज, मतलब एकदम शार्प एज हमको मिलेगा। तो मैं ऐसा कर दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ ज्यादा हमको डिटेल नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए था वहां पे अभी प्रॉपर हो जाएगा। बस थोड़ा सा और इसको बाहर कर देंगे, ये देखिए। अब आते हैं ग्लिप्स के तरफ। थोड़ा सा अभी और इसको ट्विक करना पड़ेगा, ये जो लाइन वगैरह है ना, हाँ, इनको थोड़ा सा हम प्रॉपर कर दें ताकि जो हमारा डेंट वेंट है वो सब निकल जाए। जैसे ये है, ये सीधा कर देंगे ऐसा एकदम लाइन, इसको इसके साथ रख देंगे ऐसा कुछ, बाकी सब तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको थोड़ा सा और दबा देते हैं, इसको बस अभी सही है। अब आते हैं लिप पे, तो लिप्स बनाने के लिए अब यहाँ पे ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लिप का पार्ट है अपर लिप का, इसके अंदर मेरा एक डिवीजन है, मेरे को चाहिए यहाँ पे दो डिवीजन, क्योंकि लिप्स का डिटेल ज्यादा रहता है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा एज। तो ये मैंने बराबर डिवाइड कर दिया कि मेरे पास अभी ये चार एज है, और बॉटम में तो ठीक ठाक लग रहा है, यहाँ पे गैप ज्यादा लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा मेंटेन कर देते हैं ऐसा प्रॉपर। यहां से जाने वाला है ये। अब क्या करना है, इसको एकदम इस पार्ट पे रखो आप, यहां से जहां से एज है ये लिप का, और ये सारा एज पकड़ लेंगे। पहले तो ये डिलीट कर देंगे क्योंकि माउथ खुलेगा तो जगह होना चाहिए। अब ये एज इनको पकड़ लेते हैं, हाँ एक्सट्रूड, गुड। इसको बाहर की तरफ एक्सट्रूड कर देंगे, फ्रंट व्यू में जाएंगे। अब ये कहाँ पे है, यहाँ तक है, आर प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं, और इसको इसी जगह पे प्लेस करता हूँ। साथ में हमको फ्रंट से ऐसा रोटेट करना है ताकि नीचे का आके ऐसा आमने सामने आ जाए, नीचे वाला, तो हम इसको आराम से मर्ज कर पाएंगे ऐसा। तो इस तरीके से रोटेट करके रख दिया। अब ये साइड व्यू में सब अभी इधर उधर घूम रहा है, तो इसको हम पीछे लेके आते हैं यहाँ पे, और इसको फिर इधर भी थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, ताकि यहाँ से भी सामने सामने वो मर्ज हो जाए। तो इस तरीके से कुछ हमारा हो गया। अब ये एज पकड़ना है, यहाँ से यहाँ तक हमारा लोअर लिप का एरिया है, इसको भी सेम वैसे ही एक्सट्रूड, ई रोटेट, रोटेट साइड, हाँ इधर रख देंगे, और इसको थोड़ा सा रिपोजिशन करें, और ये वाला एरिया अभी यहाँ पे घूम रहा है, इसको लेके आएंगे, और सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे है ना वैसे, हाँ इसे आमने सामने रखेंगे ताकि हमको मर्ज करने में प्रॉब्लम ना हो। ऐसा कुछ करके रख देते हैं ऐसा। तो अभी जब ब्रिज करेंगे तो ये क्या होगा, आमने सामने ब्रिज हो जाएगा। फ्रंट व्यू में आता हूं मैं, अभी थोड़ा सा एक दो पिक्सल इधर उधर है, चलेगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टॉप से आप देखेंगे ना तो अभी ये भी वैसे ही है, एकदम तलवार की धार जैसे, है ना, जबकि होना चाहिए कैसा, ऐसा प्रॉपर आर्क में होना चाहिए। ये हमारा उभरा हुआ है ना, और ये क्या है, एकदम ऐसा भी शार्प ऐसा यहाँ से यहाँ तक कट है, क्योंकि बीच में एज नहीं डाला हमने, तो सेंटर में इनके बीच में कुछ एज डाल देते हैं, एक दो तीन दा चलेगा अपने को, जगह है। और यहाँ पे कंजूसी करने की भी जरूरत नहीं है, देखिए आंख और लिप पे एज बचाना नहीं है, आपको लगे जितना आराम से बेफिकर होके लगाइए, क्योंकि जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है वो आदमी का या तो आंख पे नजर ज्यादा जाता है या लिप पे, फेस में और होता ही क्या है ना। तो हाँ उसी पे ज्यादा नजर जाएगा, तो हमको उधर ज्यादा थोड़ा डिटेल में काम करना है। तो अब ये ऐसा ही है कि जितना अपन उसमें लगाएंगे एज उतना ही अच्छा वो डिटेल आने वाला है, तो जितना जरूरत है कम से कम उतना तो लगे, बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं इसको पर्सपेक्टिव से ही थोड़ा सा मूव करता हूँ कि जैसा उभार होना चाहिए उस तरीके का क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप साइड व्यू से भी कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। अभी आप देखिए साइड व्यू में जाता हूं मैं, साइड व्यू में भी आप ऐसा देख के इस तरीके से कर सकते हैं, ऐसा इधर रख दिया। अब इसको भी बाहर की तरफ निकाल देंगे, बाहर मतलब जब ऐसा देख रहे हैं ना फ्रंट से तो डिस्टेंस ज्यादा है, अब यहां से पर्सपेक्टिव हो गया मेरा मैच, तो ये एज क्या होगा ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे को, थोड़ा इसमें इसको उससे कम रखेंगे, इसको उससे कम रखेंगे मतलब ज्यादा करेंगे, ऐसा करके हम इसको प्रॉपर सेट कर देंगे ऐसा। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा निकल गया है, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसा लगा देते हैं बस। तो ये हमारा सेट हो गया। अब हम करना है ब्रिज, ये इसके साथ ब्रिज होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा। एक अभी ये छूट रहा हो, कोई बड़ा इशू नहीं है, उसको जाने दो। अभी जब हम आगे बढ़ाएंगे उसका तो उसको हम ले लेंगे उधर, ये दोनों को ब्रिज कर देंगे, ये तीनों को, सॉरी
यहाँ से ब्रिज करेंगे, एक बीच में ना सेगमेंट चाहिए मेरे को, एक डिवीजन। अब इसका पोजीशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप, ये हमारा है ना अंदर की तरफ गया ऐसा ना, ये यहाँ पे अगर आप अच्छे से एज नहीं रखेंगे ना तो बहुत डेंट टाइप का लगता है। बहुत सारी मूवी आप देखेंगे ना 3D करेक्टर यहाँ तक बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ भी अच्छा लगेगा, पर यहाँ पे ना खुलता मुंह तो बहुत अजीब सा लगता है। अच्छा, तो उसके लिए ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो इस एज का पोजीशन अगर आप यहीं रखना चाहते तो यहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे पोजीशन रखेंगे तो इसको ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब इस तरीके का कुछ है ना। अभी बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा बहुत अंदर चला गया, और इसको भी अंदर करिए। ये अभी आया, और ये जो मेरा सेंटर वाला जो एज है जो हमने डाला बीच में डिवीजन, इसको ना हमको लेके जाना है पीछे एकदम। आप यहां से देखेंगे ये सेंटर वाला एज है, तो मैं उसको ऐसा आर्क में ऐसा अंदर कर दे रहा हूं ताकि जब ये माउथ बंद हो ना तो ये प्रॉपर फील आए। अब ये जो पॉइंट है ये इसके पैरेलल होना चाहिए, तो इसको मैं इसके पास रख देता हूँ। यहीं से आपका इनर माउथ ही स्टार्ट होगा, मतलब अंदर का जो माउथ वाउथ गम हम बनाएंगे हम, वो यहां से स्टार्ट होने वाला है। और इसको रख देंगे इधर, ये आ जाएगा इधर, थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। इसको और पीछे कर देते हैं यहां पे, और इसको इधर, ऐसा मतलब बराबर हो जाए सरफेस, और रहेगा वो ऐसा वी शेप में ही रहेगा। तो जो हमने एज लगाया था तो यहाँ पे सीधा सीधा था, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, रहेगा वी शेप में ही। तो वो वी शेप मेंटेन करना है हमको। ये अभी सही हो गया, अभी आप 3 प्रेस करेंगे तो एकदम प्रॉपर जैसा रहता है ना अपना नेचुरल, वो फील आपको ऐसा मिलेगा। अगर वो एज नहीं डालते हम लोग ना तो ये इतना शार्प यहाँ पे मिलता ही नहीं, वो थोड़ा सा गैप रह जाता। फिर जब माउथ बंद होगा तो यहाँ पे ऐसे खुला हुआ रह जाएगा एरिया। तो वो सब इग्नोर करने के लिए वो जो हमने एज डाला हुआ है उसको रखा हुआ है। अब फ्रंट से थोड़ा सेट कर देते हैं, ये फ्रंट से जो लाइन है इनको प्रॉपर पकड़ के, जहां तक मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये लिप गया हुआ है वहां तक इसको मेंटेन कर देंगे। वर्टेक्स इसको पकड़ के थोड़ा सा नीचे पैरेलल हो जाए लाइन, ये इसके बराबर आ गया। अब ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये अंदर की तरफ दबा हुआ है। मैं इस पॉइंट को अंदर लेके जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर, और ये सब भी। फिर से यहाँ पे जैसा मैंने आई के पास बताया था ना कि इधर ऐसा राउंड रहना चाहिए, इसको अगर आप जब बाहर खींच रहे हैं इसका मतलब क्या है आपको दिखाता हूँ। ये प्रस्पेक्टिव में है हम, कंट्रोल एस, जब मैं यहां से बाहर खींचता हूँ इसको, अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको बाहर खींचता हूँ तो ये उभार मतलब वहां पे उठता है। तो जब मैं ऐसा लाइन मेंटेन कर रहा हूँ मतलब वहां पे उभार आ गया, इसको मैं इधर खींच दिया मतलब ये भी उठ गया। अगर मैं साइड से करूंगा तो भी वही सीन है, देखिए अगर मैं इसको अब इधर करूंगा तो ये और ऊपर आएगा। इसको इस एज को मैं बाहर निकालता हूँ तो ये और थोड़ा सा ऊपर आ गया, इसको बाहर निकालूंगा थोड़ा सा ये ऊपर आ गया। एक बार थोड़ा सा चेक कर लें, ये थोड़ा सा अल्टर है, इसको सही सेट करना है फ्रंट व्यू में। अब इन सबको भी हमको बाहर ऐसे रखना है इस तरीके से, और ये एज भी डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, एज ही पकड़ के बाहर कर देता हूं मैं। अब ये हमारा ठीक ठाक हो गया।